में सब काम नकली होता है। ये मालिक हमें खाली डिब्बा ये बटवावत हमें हमसे पहचान ल लोगन असीन खत्म भइले के बाद तब इनके बनवा दे हुआ अशोक करा दा के बहुत आगे मिठाई बांध दा बोले बांध के रख दे खाली डब्बा देने और दिल वाला खाली का है डब्बा खाली का है डब्बा खाली का है डब्बा हां खाली डब्बा डब्बा। तो देखिए ये हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं। ये शानदार रोड मस्त खाली खाली और इस खाली रोड पे दो भाई एकदम बिंदास अंदाज में गमछा लगा के। तो हमारे राम भाई क्या कहना चाहेंगे बताइए। एकदम बढ़िया पकड़ा हूँ आप बताइए ड्राइविंग करते करते। हाँ तो राम भाई हम लोग आज काजल अगवानी से मिलने जा रहे हैं ना। जी हाँ काजल जी से मिलेंगे ढेर सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तुमको नई फिल्म के लिए शुभकामना देंगे तो हम लोग महाराजगंज जिले में जा रहे हैं और वहाँ पे काजल अगवानी जी से मुलाकात हो जाएगी और उनके पीआरओ भाई साहब आ रहे हैं। तो इस बार वन के हम फिल्म के पीआरओ हैं। फिल्म के पीआरओ हैं। फिल्म का नाम है अमानत हीरो है जय यादव और वहाँ पे आप सबको दिखाएंगे कि शूटिंग कैसे होती है। कुछ कलाकारों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हम लोग का दिन कैसा कटेगा राम भाई के साथ आप सब इस वीडियो में बने रहिए और देखिए हम लोग कहते हैं धाकड़ धाकड़ लोगों से मिलते हैं। हाँ तो भाई साहब देखिए कैमरा लगा हुआ है और ये कैमरा मैन है और ये फिल्म के डायरेक्टर है। नहीं डायरेक्टर नहीं ये पीआर है भाई साहब। और हम लोग पहुँच गए महाराज रामचंद्र भाई यहाँ पहुँच गए और हम लोग से कुछ दूर देखिए भीड़ दिख रही है वहाँ शूटिंग हो रही है लेकिन हम लोग अकेले में कुछ काम कर रहे हैं। देखिए अभी इंटरव्यू लेंगे सारे चैनल पे जी और बहुत सारा रुपया भाई साहब कमाएंगे। हाँ भाई तो भाई जैसे जो है पीआरओ का मतलब फिल्मों में अलग होता है राजनीति में अलग होता है कहीं कहीं पीआरओ को मीडिया प्रभारी भी कहते हैं। तो हम हर जगह राम भाई एकदम हिट एंड फिट है हर जगह मोहब्बत बांट के जो है सबका दिल जो है चुरा लेते हैं। उसके बाद लोग दर्शकों का प्यार है दर्शकों के तो हम लोग महाराजगंज पहुंच गए ना राम भाई महाराज। लेकिन अफसोस की बात है कि काजल लगवानी अभी तक नहीं आई है उनका सीन दो दिन बाद। तो आप लोग को अगली बार एक दो दिन बाद हम लोग दिलवाएंगे वापस विजिट। फिलहाल हम लोग आप सबको शूटिंग दिखाते हैं राम भाई। धोखा हो गया भाई के साथ। लाओ रे दूसरा मोबाइल लाओ। हमारे तो सेट पे सब खाए जा रही है बोल भी नहीं पाएगी कुछ अभी। देखिए 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 एक और नहीं खाओ 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 योगी सर। ओह माय गॉड इतनी खाते। जय भाई कैसे हैं। बस एकदम बढ़िया। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा बहुत स्मार्ट लग रहा है। थैंक यू सो मच। नहीं पहले तो इसलिए बधाई है दूसरी बात कि आप महाराजगंज में आए हैं कैसा लग रहा है क्या शूटिंग कर रहा है। महाराजगंज में आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले भी मैं शूट कर चुका हूँ यहाँ पे और यहाँ की पब्लिक बहुत ही अच्छी है और यहाँ के लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है। आज पहले दिन शूट है ना सर। नहीं आज सेकंड डे है। तो कैसा लग रहा है आज गाना शूट हो रहा है। हाँ कल भी गाना है। कल भी गाना है। अमानत किनकी अमानत है। मैं एक दूसरे की। अच्छा और सबसे बड़ी अमानत उधर है बिटिया रानी हमारी बिटिया रानी। ओके तो यानी इस फिल्म कुछ अलग दिखने वाले हैं आप। बहुत कुछ डिफरेंट है इस फिल्म में क्योंकि ये फिल्म थोड़ा सा अपनी जो भोजपुरी कल्चर की फिल्म है उससे रिलेटेड है। फिल्म है पारिवारिक फिल्म है और थोड़ा सा सब्जेक्ट भी यूनिक रखा है हम लोगों ने। हाँ तो एक कंप्लीट फैमिली ड्रामा है ये फिल्म और जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं तो जो आप देखेंगे तो आपको देखेंगे। नाम सुन के भी बड़ा अच्छा लग रहा है अमानत जी। तो हमारे भोजपुरी का ट्रेंड बदल रहा है। ट्रेंड बदल रहा है। परिवार की स्क्रिप्ट में ज्यादा काम करें ताकि हमारे सारे लोग ये फिल्म देख सके। पहले कुछ लोग नहीं देख पाते थे वंचित रह जाते थे। यस जो ऑडियंस हमसे कट चुकी थी उस ऑडियंस को जोड़ने की कोशिश किया जाए। कोशिश कर रहे हैं। घर घर पहुंच तैयारी है यानी। हाँ घर घर के अंदर। ये आपकी बिटिया रानी है इस फिल्म में। हाँ हाँ इनसे पूछिए बहुत बात करती है। क्या नाम है बच्चा आपका। खुशी शर्मा। अबे डर नहीं पापा को बजाओ बेटा। देखो आ जा मुझे ये बताओ पापा अच्छे हैं कि मम्मी अच्छी है बताओ। बेटा
इज्जत बचा ली सबकी। तो आज क्या सीन किया खुशी आपने? अच्छा आप बहुत डांस भी करती हो मैं सुना हूँ। अच्छा तो बड़ी होकर आपको मम्मी की तरह एक्टर बनना है क्या? हाँ। पापा की तरह? और पापा की तरह? पापा से क्या सीखना चाहोगी बताओ? जैसे एक्टिंग करते अपने मुंह से मैं वही सीखना चाहूंगी, है ना? और मम्मी से डांस सीखना चाहोगी? ओके। मम्मी इतनी क्यूट है। ये तो पहली बच्ची है अपनी मम्मी की इतनी तारीफ की जा रही है। कल से ही तारीफ कर रही है। पापा भी तो तुम्हारे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, स्मार्ट हैंडसम। इनके घर जाने वाली हूँ, अपने घर नहीं जाओगी? अपने घर जाओगी? इनके जाओगी? मेरे साथ चलोगी या फिर पापा के साथ जाओगी? दोनों एक ही है ये। और आपको बता दें कि इस महाराजगंज एरिया की बहुत ही पॉपुलर लड़की है ये, और यहाँ के हर बच्चे जानते हैं इनको और इनको फॉलो करते हैं। ये फिल्म के बाद मुझे लग रहा है ये और देश दुनिया में जानी जाएगी। हाँ, महाराजगंज से बाहर निकल के पूरे इंडिया में फेमस हो जाएगी। तो अपने पापा को थैंक यू बोलो तुम पहले। मम्मी का मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारे। ये मालिक हमें खाली भाई है बटवा था हमसे पहचान ल लोगन। आज सीन खत्म भइले के बाद तभी तुम बनवा दे हुआ शो खराब था कि बहुत बाने मिठाई मान रहा बांध के रख खाली डब्बा देने और दिल खाली का है डब्बा खाली का है डब्बा खाली का है डब्बा डब्बा हां बताइए का है कौन खाली डब्बा डब्बा। हां भाई साहब जवाब दीजिए। ए भाई साहब जवाब दीजिए। खाली का है डब्बा जब पब्लिक आए वाला तक भर भर के दे तुम भर भर के दिया लेकिन मिठाई नहीं देता हूं मैं। नहीं मिठाई देता हूं खाली नहीं। आप कल खाली दिन में सब काम नकली होता है इसके लिए खाली डब्बा दे ज्यादा वजन में कैसे हाथ। अरे एक किलो मिठाई डब्बा नहीं उठा पाए देखिए आप लेकिन आप प्रधान जी है ना सर? आप तो प्रधान जी। तो प्रधान जी आप नकली मिठाई का डब्बा क्यों बांट रहे हैं बताइए? बांट रहे हैं आप लोग बंटवा रहे हैं और आपके गाँव में शूटिंग भी हो रही है आप यहाँ के निवासी भी हैं। जी जी जी। तो गांव वाले तो आप चिड़ जाएंगे बाद में कहें। हाँ, बिल्कुल, कहेंगे ही लोग। कहीं ना कहीं आपको इस बात का दुख लगा कि मिठाई होगा उसमें। अच्छा आपको भी नहीं पता था? वो नहीं पता है। ओहो, अभी पता लगा है कि खाली डिब्बा है। भाई फिर हमसे ना बटवाओ यार बाद में होगा बाबू साहब खाली डिब्बा दे दिया। खाली डिब्बा दे दिया।